नमस्कार, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। आपको बड़ी खबर बता दें, बड़ी जानकारी इस बीच यहां आ रही है शरद यादव के निधन पर सीएम ने शोक जताया। आपको बता दें उन्होंने इस दौरान एक ट्वीट किया और उन्होंने ट्वीट में लिखा है कि सबसे सुलझे नेताओं में से एक शरद यादव थे, मैंने सामाजिक न्याय का पाठ उनसे सीखा। शरद यादव के निधन पर सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट कर जताया शोक, लिखा कि सबसे सुलझे नेताओं में से वो एक थे और मैंने सामाजिक न्याय का पाठ उनसे ही सीखा। शरद यादव जी की का जाना अत्यंत ये दुखदायी है, ये उनका कहना था। साथ ही आपको बता दें कि सबसे सुलझे नेताओं में से एक ट्वीट के जरिए भूपेश बघेल ने ये लिखा, मैंने सामाजिक न्याय का पाठ उनसे सीखा। ये ट्वीट हम आपको भूपेश बघेल का दिखा रहे हैं और ये तस्वीर उस वक्त की जब एक मुलाकात के दौरान कुछ तस्वीरें उनकी खींची गई थी, ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीर में के साथ उन्होंने एक ट्वीट भी लिखा है। ट्वीट में उन्होंने लिखा कि सबसे सुलझे नेताओं में से वो एक थे और मैंने सामाजिक न्याय का पाठ उनसे सीखा। शरद यादव के निधन पर सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट किया और शोक भी जताया। उन्होंने लिखा कि सबसे सुलझे नेताओं में से एक थे और मैंने सामाजिक न्याय का पाठ उनसे ही सीखा। ये ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं भूपेश बघेल का। ट्वीट के जरिए उन्होंने शरद यादव को श्रद्धांजलि भी दी है। तो इस बीच एक और बड़ी खबर आपको रायपुर से बता दें। रायपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। रायपुर से बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। प्रदेशव्यापी भेंट मुलाकात कर कार्यक्रम करेंगे सीएम। बड़ी जानकारी पिपरिया और लाफा में जनता से भेंट मुलाकात करेंगे। बड़ी जानकारी आपको रायपुर से बता रहे हैं। रायपुर से बड़ी खबर इस वक्त की सरकारी योजनाओं के संबंध में फीडबैक भी लेने वाले हैं सीएम। प्रदेशव्यापी भेंट मुलाकात कार्यक्रम करेंगे सीएम। पिपरिया और लाफा में जनता से करेंगे भेंट। सरकारी योजनाओं के संबंध में फीडबैक भी लेंगे। रायपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अहम जानकारी रायपुर से आ रही है, जहां सीएम भूपेश बघेल प्रदेशव्यापी भेंट मुलाकात कार्यक्रम करने वाले हैं और जनता से बातचीत भी करने वाले हैं। पिपरिया और लाफा में जनता के बीच जाएंगे, उनसे बातचीत करेंगे और सरकारी योजनाओं के संबंध में जनता से फीडबैक भी लेंगे। प्रदेशव्यापी भेंट मुलाकात ये कार्यक्रम होगा और सीएम भूपेश बघेल जनता से बातचीत करेंगे। पिपरिया और लाफा में वो लोगों के बीच जाएंगे, उनसे बात करेंगे और सरकारी योजनाओं का कितना लाभ उन्हें मिल रहा है इसके बारे में वो फीडबैक भी लेने वाले हैं। सरकारी योजनाओं से जनता को कितना लाभ पहुंचा है, आज जनता के बीच जाके उनसे फीडबैक सीएम भूपेश बघेल लेने वाले हैं। रायपुर से बड़ी जानकारी। प्रदेश व्यापार भेंट मुलाकात कार्यक्रम में शिरकत करेंगे सीएम। तो बीजापुर में माओवादियों ने धान बेचने गए ग्रामीण की हत्या कर दी। माओवादियों ने कुल्हाड़ी और चाकू से हमला कर वारदात को अंजाम दिया। मृतक का नाम राममूर्ति गटपल्ली बताया जा रहा है। माओवादियों ने उसूर धान खरीद केंद्र में वारदात को अंजाम दिया है। घटना की जानकारी मिलते ही एसडीओपी और एसपी बीजापुर मौके पर पहुंचे। फिलहाल पुलिस अब मामले की जांच पड़ताल भी कर रही है। हालांकि ग्रामीण की हत्या के बाद पूरे गांव में हड़कंप मच गया है। माओवादियों ने एक ग्रामीण को मौत के घाट उतार दिया। माओवादियों ने एक ग्रामीण की हत्या की है और इसके बाद से ही पूरे गांव में दहशत का माहौल है। माओवादियों ने एक ग्रामीण की हत्या कर दी और हत्या के बाद से ही परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। हालांकि इस घटना के बाद एसडीओपी और एसपी ने पूरे घटने का संज्ञान लिया। पूरे घटनाक्रम का उन्होंने संज्ञान लिया। पूरे मामले की तफ्तीश भी की जा रही है। लेकिन बीजापुर में माओवादियों ने धान बेचने गए एक ग्रामीण की हत्या कर दी। हत्या के बाद से ही पूरे गाँव में दहशत का माहौल है और इस घटना की सूचना के बाद मौके पर एसडीओपी और एसपी भी
पहुंच चुके हैं। पूरे मामले का उनके द्वारा संज्ञान लिया गया, मामले की जांच पड़ताल भी की जाएगी। माओवादियों ने कुल्हाड़ी और चाकू से ग्रामीण पर हमला किया और मौत के घाट उतार दिया। बताया जा रहा है कि जो ग्रामीण था वो धान बेचने के लिए गया था और इसी दौरान माओवादी ने मौके का फायदा उठाकर ग्रामीण को मौत के घाट उतार दिया। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फोनलाइन पर हमारे संवाददाता सतीश कुमार जुड़ गए हैं। सतीश, पूरी खबर बताएं सबसे पहले तो आप। देखिए, खबर ये है कि पलमपल्ली निवासी जो है राममूर्ति गढ़पल्ली जी, ये अपना उसूर मूल उसूर क्षेत्र से आते हैं और उसूर थाना क्षेत्र में यह घटना घटित भी हुई है। जो विगत 10 वर्षों से उसूर में धान खरीदी केंद्र में काम कर रहा था और ये लगभग सुबह 10 बजे के आसपास की बात है और जो है इसको चाकू टंगे के साथ में वार किया गया है सर और छाती पर, जिससे ये तुरंत इसकी मृत्यु हो गई है। और पुलिस द्वारा जो है घटना की विस्तृत जानकारी प्राप्त हुई है और पुलिस घटना क्षेत्र में पहुंच भी गई है और शव को अपने कस्टडी में ले भी लिया गया है। पुलिस द्वारा यह जानकारी भी दी जा रही है कि यह आपसी रंजिश या किसी कारणवश और चीजों को भी देख रहे हैं, तो फिलहाल अभी ये संभवतः यह नहीं बताया जा सकता है कि ये माओवादियों के द्वारा किया गया कृत है या फिर आपसी रंजिश पे है। फिलहाल विवेचना जारी है और जब तक कारण स्थिति सही पुलिस द्वारा जारी नहीं हो सकता तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता है। मतलब अभी जांच पड़ताल होगा और उसके बाद ही कह सकते हैं कि इस जो घटना को अंजाम वो माओवादियों के द्वारा ही दिया गया या फिर किसी पुराने ही रंजिश का भी ये नतीजा हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल सही है। बिल्कुल सतीश, एक बात और, क्योंकि इस घटनाक्रम को लेकर क्या प्रशासन की तरफ से कुछ कहा गया है पुलिस की तरफ से? फिलहाल पुलिस की तरफ से यही कहा जा रहा है कि आपसी रंजिश या फिर माओवादी घटना का बताया जा रहा है, क्योंकि पिछले 10 सालों से इसके ऊपर में जो है टारगेट करके रखे हुए थे माओवादियों के द्वारा और फिलहाल अभी तक कोई निकल के खास तौर पर जानकारी सामने नहीं आ रही है, क्योंकि यह अंदरूनी क्षेत्र का मामला है तो वहां पे नेटवर्क इश्यू होने की वजह से सही जानकारी टाइमली पहुंच नहीं पाती है। परिजनों से इस बीच आपकी बातचीत हुई है? फिलहाल जिस क्षेत्र का यह मामला है उस क्षेत्र में नेटवर्क नहीं है, जिस वजह से वहां पे अभी कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया है। फिलहाल अभी तक पुलिस के द्वारा ही जो जानकारी प्राप्त हो पाई है उतना ही यह है कि आपसी रंजिश या फिर मुखबरी के शक में यह घटना को अंजाम दिया गया है। बिल्कुल सतीश, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आपको बता दें कि अभी कहना शायद यहाँ कहना जल्दबाजी होगी कि इस घटना को अंजाम माओवादियों के द्वारा ही दिया गया या फिर किसी पुरानी रंजिश के चलते भी ग्रामीण की हत्या की गई है। फिलहाल पुलिस अब पूरे मामले की जांच पड़ताल भी कर रही है और जांच पड़ताल के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिरकार ग्रामीण की हत्या किसने की। तो वहीं सीएम भूपेश बघेल रिहावा विधानसभा के दौरे से वापस लौट चुकी हैं। इस बीच हेलीपैड पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि पूरा देश ही नहीं बल्कि पूरा विश्व ही स्वामी विवेकानंद जी का स्मरण कर रहा है। स्वामी विवेकानंद ने ज्यादा समय रायपुर में ही बिताया है। साथ ही उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए बीजेपी के खिलाफ बोलो तो धर्म विरोधी हो जाते हैं, दिल्ली के बारे में बोलो तो राष्ट्र विरोधी कहलाते हैं। साथ ही उन्होंने धर्मांतरण पर कहा कि वो बहस को लेकर तैयार है और क्या कुछ कहा सीएम ने, आइए आपको सुनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी, मैं आंकड़े बार बार बोल रहा हूं, मैं आंकड़े उपलब्ध करा देता हूं किसके समय चर्च बना है, किसके समय में ज्यादा धर्मांतरण हुआ है, वो आंकड़े चाहे तो आप ले सकते हैं और तैयार बहस करने के लिए भी तैयार रहे। भारतीय जनता पार्टी के नेता पिछले दिनों आरोप लगाए थे यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ, एमयू भर हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के जो सरकार में जो इन्वेस्ट हुआ था छत्तीसगढ़ में, ये 2017-18 की बात बता रहा हूँ, 1553 करोड़ 17 में और 18 में 1014 करोड़।
तो धान खरीदी को लेकर खाद्य और संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत का बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि पूरे देश में धान खरीदी उत्तम हो रही है, किसानों को उनका पैसा मिल रहा है। देश में सबसे ज्यादा किसान छत्तीसगढ़ में धान बेच रहे हैं। छत्तीसगढ़ के किसान पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा अपने उपज का दाम भी पा रहे हैं। ऐसे में किसानों को बरगलाने का काम बीजेपी कर रही है। साथ ही रायपुर में जल्द ही फिल्म सिटी बनाने की भी उन्होंने बात कही। ऐसे बात, ऐसा बयान खास स्पद से और ज्यादा कुछ नहीं है। इनका बयान पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित है। धान खरीदी की व्यवस्था पूरे प्रदेश में उत्तम है, किसानों को पूरा सुविधा दिया जा रहा है और पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा अगर किसान मजे से अपना उपज बेच रहे हैं तो छत्तीसगढ़ में बेच रहे हैं। तो राष्ट्रीय सुरक्षा कानून को लेकर प्रदेश में राजनीति तेज हो गई है। बीजेपी के महामंत्री केदार कश्यप ने सरकार पर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि सीएम भूपेश बघेल ने प्रदेश के आदिवासी क्षेत्र में जिस तरह से रासुका लगाया है, वे नहीं चाहते कि आदिवासी संस्कृति और सभ्यता बची रहे। केदार कश्यप ने कहा कि ये कदम आदिवासी संस्कृति को खत्म करने की साजिश है। प्रदेश सरकार आदिवासी समाज को धर्मांतरण की तरफ बढ़ाना चाहती है। भूपेश बघेल ने प्रदेश के जो आदिवासी क्षेत्र हैं वहाँ पर जिस तरीके से रासुका लगाया है और ये पूरी तरीके से आदिवासी संस्कृति को खत्म करने की साजिश है। भूपेश बघेल जी नहीं चाहते कि हमारे यहाँ पर आदिवासी अस्मिता, यहाँ की संस्कृति, यहाँ के रीति रिवाज, यहाँ की परंपराएं बची रहे। ये लोग हमारे आदिवासी समाज को धर्मांतरण की ओर बढ़ाना चाहते हैं। ये लोग कहीं ना कहीं से मिशनरियों के साथ में मिले हुए दिखाई देते हैं। तो खबर रायपुर से, जहां विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि सीएम भूपेश बघेल ने स्वीकार कर लिया है कि छत्तीसगढ़ में विधायकों के परफॉर्मेंस खराब हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि जिनके परफॉर्मेंस खराब हैं उनके टिकट काटे जाएंगे। आगे कहा कि कांग्रेस और डीएनए में प्राप्त संस्कृति के अनुसार प्रदेश में अघोषित आपातकाल लगाने की तैयारी कर रही है। तो आपको बता दें कि विधायक बृजमोहन के द्वारा ये कहा गया कि सीएम भूपेश बघेल ने ये स्वीकार कर लिया है कि जिन विधायकों की परफॉर्मेंस खराब है उनके टिकट काटे जाएंगे। साथ ही उन्होंने कई बातों का भी जिक्र किया और टिकट काटने को लेकर जो बात कही गई थी उसको लेकर तमाम तरह की बातें भी सामने आ रही हैं। आपको बता दें कि बीते दिनों भूपेश बघेल ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान साफ शब्द में कह दिया था कि जिन विधायकों की परफॉर्मेंस खराब है और उनका काम अच्छा नहीं है, ऐसे विधायकों का इस बार टिकट काट दिया जा सकता है क्योंकि कांग्रेस किसी भी तरह का कोई रिस्क नहीं लेगी। और जिन विधायकों का काम अच्छा है उनके टिकट नहीं कटेंगे, ये पत्रकारों से बातचीत के दौरान भूपेश बघेल ने कहा था। और ऐसी बयान को लेकर अब राजनीति तेज हो गई है, तमाम तरह की प्रतिक्रिया भी सामने आने लगी है। और इसी कड़ी में विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने यह बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि सीएम भूपेश बघेल ने स्वीकार कर लिया है कि छत्तीसगढ़ में विधायकों की परफॉर्मेंस खराब है, साथ ही जिनके परफॉर्मेंस खराब हैं उनके टिकट काटे जाएंगे। कांग्रेस अपने डीएनए में प्राप्त संस्कृति के अनुसार प्रदेश में अघोषित आपातकाल लगाने की तैयारी कर रही है, ये बड़ी बात भी बृजमोहन अग्रवाल ने कही है। आज मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल जी ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में लगभग 75% क्षेत्रों में उन्होंने दौरा कर लिया है और बहुत से विधायकों के खिलाफ में एंटी इनकम्पेंसी दिखाई दे रही है और इससे बहुत से विधायकों की टिकट काटी जा सकती है। जो मुख्यमंत्री पिछले 4 सालों से अपनी सरकार के कामों का बखान करते हुए नहीं थक रहे हैं, आज वो इस बात को कैसे स्वीकार कर रहे हैं कि बहुत से विधायकों के खिलाफ में एंटी इनकम्पेंसी है। मुख्यमंत्री जी का यह बयान इस बात को साबित करता है
कि 4 साल में सिर्फ जनता का शोषण हुआ है, तानाशाही चली है, विकास के काम नहीं हो रहे हैं, भ्रष्टाचार के आगोश में ये सरकार डूबी हुई है और इसीलिए विधायकों के खिलाफ में इनकंपेंसी पैदा हो रही है और इसलिए मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार कर लिया है कि 2023 में उनकी सरकार। तो इस बीच एक और बड़ी खबर, रायपुर से सीएम बघेल का विधानसभा चुनाव पर बयान, बड़ी जानकारी, विधायकों को सुनाई घड़ी घड़ी, परफॉर्मेंस ठीक नहीं तो टिकट पर खतरा, ये साफ शब्दों में भूपेश बघेल ने कह दिया है। 2023 के चुनाव में कांग्रेस नहीं लेना चाहती किसी भी तरह का कोई रिस्क, जिनका बेहतर परफॉर्मेंस है उनका टिकट नहीं कटेगा, ये सीएम भूपेश बघेल के द्वारा कहा गया। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां कांग्रेस की तरफ से की जा रही है और इसी कड़ी में भूपेश बघेल ने साफ शब्दों में कह दिया है कि जिनके परफॉर्मेंस ठीक नहीं है उन्हें टिकट नहीं मिलेगा, उनका टिकट कट सकता है और जिन विधायकों की परफॉर्मेंस ठीक है उनका टिकट नहीं कटेगा और साथ ही विधायकों को उन्हें खरी खरी भी सुनाई। आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने एक बात और यहां कहा कि कांग्रेस किसी भी तरह का कोई भी रिस्क चुनाव में लेना नहीं चाहती और यही वजह है कि विधायकों को अपने परफॉर्मेंस पर ध्यान देना चाहिए, चुनाव में कांग्रेस किसी प्रकार का कोई रिस्क नहीं लेगी, कोई भी रिस्क नहीं लेगी, ये बड़ी बात सीएम भूपेश बघेल के द्वारा कही गई है। ২০২৩ के चुनाव में कांग्रेस नहीं लेना चाहती कोई रिस्क, परफॉर्मेंस ठीक नहीं तो टिकट पर खतरा। बता दें आपको कि उन्होंने कहा कि अगर परफॉर्मेंस ठीक नहीं है तो टिकट पर खतरा हो सकता है और जिन विधायकों का परफॉर्मेंस ठीक है उनका टिकट नहीं कटेगा, लेकिन जिनका परफॉर्मेंस ठीक नहीं है कि हो सकता है ऐसे विधायकों का टिकट कट जाए। सीएम बघेल का विधानसभा चुनाव पर यह बड़ा बयान सामने आया है। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे एक और अहम खबर जो कि रायपुर से ही है, जहां बीजेपी के प्रतिनिधि मंडल ने नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी से मुलाकात की। वहीं बीजेपी ने आरोप लगाते हुए रायपुर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में 17 बिंदु पर ज्ञापन भी सौंपा है। प्रतिनिधि मंडल ने पूर्व मंत्री राजेश मूणत, लोकसभा सांसद सुनील सोनी, राज्यसभा सांसद सरोज पांडे भी शामिल रहे। तो रायपुर के बीजेपी के प्रतिनिधि मंडल ने नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी से मुलाकात की है। साथ ही बीजेपी ने आरोप लगाते हुए कहा है कि रायपुर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में भ्रष्टाचार के संबंध में एक 17 बिंदु पर ज्ञापन भी सौंपा और इस दौरान प्रतिनिधि मंडल में पूर्व मंत्री राजेश मूणत, लोकसभा सांसद सुनील सोनी, राज्यसभा सांसद सरोज पांडे भी शामिल रहे। 17 बिंदुओं पर यह ज्ञापन सौंपा गया और इस दौरान पूर्व मंत्री राजेश मूणत भी मौजूद दिखे। बीजेपी नेताओं ने की केंद्रीय मंत्री से मुलाकात और भ्रष्टाचार में, क्योंकि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जा रहे हैं और इसी संबंध में 17 बिंदु का एक ज्ञापन भी सौंपा गया है। तो इस बीच एक और बड़ी खबर, महासमुंद जिले के बिरबिरा में बनेगी भव्य फिल्म सिटी, बड़ी जानकारी। नया रायपुर से लगभग 50 किलोमीटर दूरी पर है यह पर्यटन स्थल। साथ ही आपको बता दें कि सीरपुर के पास 327 एकड़ जमीन को किया गया है इसके लिए चुनित। संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत ने इसका निरीक्षण भी किया। फिल्म उद्योग से जुड़े कलाकारों और स्थानियों को इसका लाभ मिलेगा। तो आपको बता दें कि महासमुंद जिले के बिरबिरा में अब भव्य फिल्म सिटी बनाने की तैयारी की जा रही है। नया रायपुर से लगभग 50 किलोमीटर दूरी पर यह पर्यटन स्थल है और इसके लिए सीरसपुर के पास 327 एकड़ जमीन को भी चिन्हित किया गया है। निरीक्षण भी इसका किया गया और निरीक्षण के दौरान संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत ने इसका निरीक्षण किया। वो मौजूद रहे। फिल्म उद्योग से जुड़े कलाकारों को फिल्म सिटी बनने से काफी लाभ भी पहुंचेगा। फिल्म उद्योग से जुड़े कलाकारों और स्थानियों को इससे लाभ मिलेगा। यह फिल्म सिटी महासमुंद जिले के बिरबिरा में बनाई जाएगी और जो कि नया रायपुर से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर है और
उसी दूरी पर यह पर्यटन स्थल भी है। और इस फिल्म सिटी को बनाने के लिए सीरपुर के 327 एकड़ जमीन को चिन्हित किया गया और जमीन का जो निरीक्षण है वो संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत ने किया। तो सुकमा में नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों ने बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक की। आपको बता दें कि बीजापुर, सुकमा और तेलंगाना के सीमा क्षेत्र पर सर्जिकल स्ट्राइक की खबरें सामने आ रही हैं। नक्सली कमांडर हिजमा को टारगेट कर ऑपरेशन लॉन्च किया गया। इस दौरान हेलीकॉप्टर का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। तो वहीं सुरक्षा बलों की कार्रवाई में नक्सलियों को भारी नुकसान का भी अनुमान लगाया गया है। 200 से अधिक जवानों की हत्या में शामिल नक्सली कमांडर हिजमा को गोली लगी है। तो इस सर्जिकल स्ट्राइक में नक्सलियों को काफी नुकसान की ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। आपको बता दें कि यह बड़ी कार्रवाई की गई सुकमा में नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों ने बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक की। बीजापुर, सुकमा और तेलंगाना के सीमा क्षेत्र पर सर्जिकल स्ट्राइक की खबरें आ रही। आपको बता दें कि नक्सली कमांडर हिडमा को इसमें टारगेट किया गया और इस टारगेट के तहत ऑपरेशन लॉन्च भी किया गया। इस ऑपरेशन में हेलीकॉप्टर का भी इस्तेमाल किया गया है। सुरक्षा बलों की कार्रवाई में नक्सलियों को काफी नुकसान हुआ है ऐसा अनुमान लगाया गया है। साथ ही आपको बता दें कि जो नक्सली कमांडर हिजमा इसके ऊपर 200 से अधिक जवानों की हत्या का आरोप भी है। साथ ही आपको बता दें कि इस सर्जिकल स्ट्राइक में नक्सली कमांडर हिजमा को गोली भी लगी है। तो इस बीच एक और बड़ी खबर, रायपुर से कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे सीएम भूपेश बघेल। विवेकानंद स्मारक भवन के संरक्षण कार्य का करेंगे शुभारंभ। बड़ी जानकारी आपको दे दें, राजीव युवा मितान क्लबों का वर्चुअल राशि का अंतरण भी किया जाएगा। दुर्ग जिले में सतनामी समाज सम्मेलन में होंगे शामिल। गिरहोला में सम्मेलन का आयोजन और सिहावा धमतरी में अधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। अधिकारियों के साथ ये समीक्षा बैठक की जाएगी। विकास कार्यों का इसमें शिलान्यास और लोकार्पण भी किया जाएगा। एक और बड़ी खबर रायपुर से आपकी टीवी स्क्रीन पर। इस बीच आपको बता दें कि ये बैठक हालांकि काफी अहम भी है। कई कार्यक्रमों में सीएम भूपेश बघेल शामिल होने वाले हैं। विवेकानंद स्मारक भवन के संरक्षण काम का वो शुभारंभ करेंगे। राजीव युवा मितान क्लबों को वर्चुअल राशि का अंतरण भी किया जाएगा। पूरा कार्यक्रम दुर्ग जिले में सतनामी समाज सम्मेलन के द्वारा हो रहा है और इसमें दुर्ग जिले में सतनामी समाज सम्मेलन में वो शामिल भी होंगे। गिरहोला में सम्मेलन का आयोजन होगा। सिहावा धमतरी में अधिकारियों के साथ एक बैठक भी करेंगे। अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक सीएम की काफी अहम भी है और विकास कार्यों का इसमें शिलान्यास और लोकार्पण भी किया जाएगा। तो फिलहाल खबरों में मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।